ये कितना बढ़िया घूम रही है ना। ये ले, ये निकल गया। थक गया भाई, आज तो बहुत मेहनत। चुप, तने काहे लागे है? ये मैकेनिक शॉप है या कोई थारो रेस क्लब है? अरे काका, कल बस 30 मिनट के अंदर हमने 20 टायर निकाले थे और आज 20 के अंदर हमने 25 निकाल लिए। सुनो बेटा, अगर तुमने मैकेनिकल काम सीखा होता ना तो आज यहाँ के सेठ नहीं बन जाते हैं? इस सेठ वेट की बात छोड़िए काका, टायर निकालने के अलावा मेरे लिए और कुछ मायने ही नहीं रखता। बढ़िया बढ़िया, टायर ही हटाओ। अगर तेरी लवर को मालूम चल गया होता ना तो तेरी दिल की धड़कन थम गई होती, समझा ना? काका इधर आइए। हाँ बोलो। काका आपने दाऊद का नाम सुना है क्या? हाँ सुना है। और उसके बॉस हाजी मस्तान का नाम सुना है ना? नहीं। वो क्राइम करने से पहले कभी भी सोचता था कि? नहीं। अरे वो लोग तो खून खराबा करते थे, हम तो सिर्फ टायर चुराते हैं ना। और काका आजकल लड़कियां पटाना और आसान हो गया, वो हम जैसों के झांसे में जल्दी आ जाती है, क्या बोलते हो? लो, उसने तेरी दिल की धड़कन सुन ली। अरे यही तो बात है काका, दिल से मांगो तो वो मिल ही जाता है। अरे अच्छा खासा मूड बना था, क्या हुआ? घर वालों की रोज की शादी की झंझट से मैं परेशान हो गई हूँ। अब तक 19 रिश्ते आ चुके हैं। 19 रिश्ते आ चुके? मेरा दिमाग खराब हो गया तो बुढ़िया को मार दूंगी। ए, क्या बोल रही है तू? एक बात अच्छे से समझ लो, इज्जत से मेरे घर पे आ जाना, जमींदार हो ये बताकर मुझसे शादी कर लेना। बता कब आएगा, वरना पता है ना तुझे। ए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चाय फेंकने की? हाँ, किसने काम पर रखा तुझे? हाँ बच्चे के मुंह क्यों लग रहे हो भैया? जाने दो ना। अगर ये बोल नहीं सकता तो क्या हुआ, इसके हाथ पैर तो काम करते हैं ना। अरे भैया जाने दो, बोल फिर से करेगा, करेगा फिर से। अरे मत मार। बेशरम कहीं का, चर्बी चढ़ा है ज्यादा, हड्डी पसली एक कर दूंगी तेरी, समझ गया ना? तुझे इस सब से क्या मतलब है? तू भी इनकी पार्टी की है क्या? सामने वाले से बात करने से पहले बात कैसे करनी है ये सीख ले। चितू जी आपके पिताजी ठीक है ऐसा पूछना चाहिए था। चितू तेरे माँ का पति ठीक है ऐसा पूछने में बहुत ज्यादा फर्क है, समझ गया क्या ये? ए रुकना, अब एक डायलॉग। इस देश में औरत पर हाथ उठाना मर्द अपना हक समझते हैं, लेकिन उस मर्द पर हाथ उठाना ये भी एक मर्द का ही हक होता है। कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए, प्यार के नाम पर इसने मेरी बेटियों की जिंदगी बर्बाद की। प्यार के नाम पे तूने लड़की को बदनाम किया हरामखोर, अब जा और जाकर किसी मंदिर में उससे शादी कर, नहीं तो मैं गोलियां मारकर तुझे जान से मार दूंगा। क्या हुआ? ये दुकान इतनी जल्दी क्यों बंद हो गई? और नहीं तो क्या होगा भाई, ये चोर बाजार के खुलने का टाइम है, यहाँ ईमानदारों के पास कौन आएगा? जो चीज यहाँ 1000 रुपए में मिलती है वहाँ 10 रुपए में मिलती है, सेम ब्रांड। ए बंद कर रहे, कुछ नहीं होगा यहाँ, तू भी जाकर चोर बाजार में काम ढूंढ। 410 से 414 ये 5 सेक्शन के तहत केस बुक कर दो। क्या होगा भाई, आप हमेशा सेक्शन की बात करते हैं पर इससे होता कुछ नहीं है। हम पूर्वजों के जमाने से कोशिश करते आए हैं कि चोर बाजार बंद करेंगे, चोर बाजार बंद करेंगे, लेकिन वो अभी तक खुला है। वो बच्चन जब तक जिंदा है ना तब तक वो चोर बाजार बंद नहीं होगी और हमारी दुकानें नहीं खुलेगी। जिंदगी भर ना आपका सपना साकार नहीं होगा, लिख कर देता हूँ। मैं इस सपने को जरूर साकार करूंगा। इसी बात पे मैं आपको सलाम ठोकता हूँ।
अरे मैंने कुछ नहीं किया। मेरा नाम है निजाम डायमंड। मेरा इतिहास 150 साल पुराना है। मैं एक परिवार की तरह हर महीने सभी राज्यों का चक्कर लगाता हूँ। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रदर्शनी एक महीने में दिल्ली में होने वाली है। उसी नाके पर हैं सर, सब पर निगरानी रखते हैं। जी सर, ओके। जैसे ही पता चलता है आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बी अलर्ट गाइस। हे इधर। अरे सामने पुलिस है, चल जल्दी यहाँ से, चल जल्दी कर वरना पकड़े जाएंगे। अरे क्या कर रहा है, चल जल्दी से। अरे लग गया। अरे भागो। डायमंड शुड नॉट बी मिस्ड अंडर एनी सरकमस्टेंस। ओवर। गोली मत चलाना, ये रहा डायमंड। ए, इधर ला। भाई, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? डायमंड, चुप रह तू। प्यार से बोल रहा हूँ, वो डायमंड मुझे दे दे। भाई, नहीं भाई। डायमंड चाहिए ना? डायमंड मत देना भाई। ये ले। ये क्या किया? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पानी पीने के बाद सुबह सुबह बहाने में। अबे ये फालतू की बातें करना बंद कर, पहले चोटी तोड़ने का कोई उपाय सोचो। भाई। हाँ क्या हुआ, बोलना। बहुत तेज भूख लग रही है। ए निकालो, तुम्हारी जेब में क्या है अभी? क्या हुआ? हाँ? मैंने पैसे के लिए कहा। पैसे निकालो सब लोग, दो दो जल्दी दो। ये लो 20 रुपए, ये लो मेरे 10 रुपए। चलो सबके मिला के हो गए 30 रुपए। ए छोटू तू कुछ दे रहा है क्या? हाँ? 40-30 हो गए 80 रुपए। मेरे पास ये हाँ? है। ये क्या है? कितनी बार समझाए तुझे कि पड़ी हुई चीजें उठाया मत कर। हाँ? ये हमारे लिए बोझ बन गया है। चलो चलते हैं, सबसे पहले फेमस दुकान चलते हैं, बिरयानी खाएंगे, उसके बाद सीधा बाजार। ए चल। हाँ चलो। इसे लेकर दीदी को दे दूंगा, उसे अच्छा लगा तो पैसे देगी। चोरों, हमारा गब्बर भाई आ गया है। आज तुम सबका आखिरी दिन है, इस चोर बाजार की जिंदगी खत्म समझो। गब्बर भाई, गब्बर भाई, हम सब लोग गरीब हैं, हमें माफ कर दो, हम सब गरीब हैं भाई। गब्बर भाई, गब्बर भाई। नहीं नहीं छोड़ो। hey, नहीं, नहीं। तूने मेरी गायों को बाजार में बांध दिया, लेकिन इस शेरनी को भूल गया ना। खामोश। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, इस चोर बाजार को बंद करना और इन सब चोरों को खत्म करना। अरे वाह गब्बर भाई, क्या शॉट मारा है। बुलाओ, इसको बुलाना है, बुलाओ। बेबी आकर बचाओ इन्हें। कहाँ हो बेबी, आ जाओ। बच्चों
चोरों को बचाने वाला कौन है बे तू? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है बच्चन, बच्चन साहब। अबे इस चोर को पकड़ो रे। ये चोर नहीं हूं मैं, चोर बाजार की शान हूं मैं। और बच्चन साहब को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तुम्हारी ये चोर बाजारी की कहानी खत्म हो जाएगी। जब तक मैं रहूंगा तब तक ये चोर बाजार रहेगा। अरे वो कहाँ है तू? हिम्मत है तो सामने आ, तुझे दफन कर दूंगा, तुझे खत्म कर दूंगा। आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह अल्लाह मेरे साथ रहना अल्लाह। ये गन में क्या प्रॉब्लम है? ये गब्बर भी ना हमेशा मेरे सपने में बीच में आकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन बेबी तुम जिस दर्द से चिल्लाई हो ना आज, उस दर्द को अच्छे से समझता हूँ। तुमने क्या किया? उन सबको पीटा। क्या? सब गुना एक एक करके पीट डाला और ऐसे पकड़ के पीटा। तुमने देखा, फिर से फायर किया। पागल छे। लाओ लाओ गन दो, दो दो गन दो, गन दो। क्या बताऊं इस चोटी का, मैं कितने सालों से इंतजार किए जा रहा हूं। तुमने इस चोटी वाली कहानी को दबा कर रखा है। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं प्लीज मुझे कह दो कि मैं जमींदार का बेटा हूं। बस एक सबूत दे दो मुझे। मिल गया सबूत, मिल गया। गले में चीते का नाखून, घर के सामने खड़ी वो गाड़ी और एक ये बंदूक। यही ना? यही है। बच्चन भाई अरे जल्दी बाहर आओ, तुम्हें एक बात पता नहीं है। दीदी दीदी क्या आप इसे लोगी? अरे ले लो ना, ले लो ना दीदी, ले लो ना। ये चोर बाजार बड़ा जोरदार, चोरी करना भी एक हुनर है यार। नमस्ते एसपी साहब, कैसे हैं आप? यहाँ हंगामा हो रहा है सर। अरे इसमें कौन सी कोई नई बात है, हमेशा वही पुरानी बात। आपके हाथ में लाठी नहीं है क्या? एक छोटी बच्ची का रेप हुआ है सर, उसकी उम्र केवल 5 साल है सर। कमीनों ने 5 साल की बच्ची का रेप किया है। अगर आए तो देखते ही गोली मार दो, आगे कोई और ऐसा करने की सोचेगा भी नहीं। जीजा जी मैं कह रहा था। अरे बेवकूफ क्या मन में बड़बड़ा रहा है, साफ साफ बोल। मैं राइट्स एसोसिएशन के बारे में बात कर रहा हूँ। जब पब्लिक मनमर्जी से घूम रही है तो इसमें क्या राइट्स की बात बची? रेप की बात को भूल जाओ, उन्हें ऐसा करने की सोच से भी घबराहट होनी चाहिए। सर तुम लोगों ने ऐसे थोबड़ा क्यों लटकाया हुआ है? तुम लोगों को ऐसे देख के एक कहावत याद आ रही है। एक बार एक पिल्ले ने अपनी मां से पूछा कि अब तो बता दो पापा कैसे दिखते हैं। तो उस पिल्ले की मां ने कहा, बेटा ऐसा हुआ कि पापा पीछे से आए और यहां से चले गए।
जब मैंने उन्हें देखा ही नहीं तो कैसे बता दूं कि वो कैसे दिखते हैं? तुम सबकी कहानी भी ऐसी है सर। म्यूजियम के अंदर इतनी सिक्योरिटी है, फिर वो असली उठा के नकली कैसे रख गए? तुम लोगों ने भांग खाया था क्या? सर, हमारे पास डायमंड को दिल्ली म्यूजियम पहुंचाने के लिए अभी एक महीने का टाइम है। इससे पहले हम नकली को असली के साथ बदल सकते हैं सर। मुझे नहीं पता कि अब तुम लोग क्या करोगे। इससे पहले कि ऑपोजिशन को पता चले, डायमंड अपनी जगह पर होना चाहिए। ठीक है सर। ए, मैं हूं चार्ली। मेरा भाई कोई बेवकूफ लग रहा है क्या तुझे? वो चार्ली जिसे 200 करोड़ चोरी करने का ऑर्डर मिला है, वो क्या इस मामूली ऑटो में सफर करेगा? हा? अबे क्या बक रहा है बे तू? वो डायमंड चोर बाजार में है। वो तो मुझे भी पता है। आपको पता है तो खुद ही जाकर ले आइए ना। क्या ये, सच बोलता हूँ तो भी मारते हो, झूठ बोलता हूँ तो भी मारते हो? ऐसे आंखें फाड़ कर क्या देख रहे हो? इसके कान के नीचे बजाओ ना। ए, उस डायमंड के पास जाने का रास्ता एक ही है और वो है चोर बाजार। पुलिस लगातार हर तरफ नजर बनाए हुए है। जब तक पुलिस चोर बाजार में घूम रही है, डायमंड वही का वही रहेगा। मुझे 2 दिन का टाइम चाहिए। अगर 2 दिन के अंदर मेरे पास डायमंड नहीं हुआ तो बच्चन साहब। अरे अंकल, नमस्ते। ये सब क्या है? जानते हो, मुझे छोड़कर एक रात के अंदर यहाँ सब कुछ बदल गया है। अयला, ऐसा ऐसा बदल गया? हाँ, मेरी आज तक की सर्विस में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। चलो आओ, मैं तुम्हें ऐसा ही सर से मिलवाता हूँ। सर गया था। सर, बच्चन साहब। नमस्ते सर। ये चोर बाजार की तरफ से पेमेंट देने वाले दिलदार आदमी है सर। चोर बाजार। नाम क्या तुम्हारा? बच्चन साहब। क्या बच्चन, तुझ पर सूट नहीं करता है। अरे सर। हाँ, मेरा मतलब, अरे सर, बेबी ने मेरा नाम बच्चन साहब रखा क्योंकि वो मुझे बड़ा आदमी बनाना चाहती हैं। तो प्लीज सर, इस नाम की बुराई मत कीजिए। हाँ ठीक है, तो करता क्या है? गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ सर। पर ये कोशिश तुम चोरी करके कर रहे हो। अरे सर, आपका अनुमान तो बिल्कुल सही निकला भाई, मान गए। तुम अपने चोर बाजार में मुझे घुमाओगे? आप कब आना चाहते हैं सर? अरे कैसे भाई, ये लो गर्मा गर्म चाय पियो। अरे कैसे हैं साहब? ये क्या, मैंने इतने अच्छे से गुड मॉर्निंग किया और आपने इतना ढीला रिप्लाई दिया। चलिए लीजिए, लगता है टेंशन में, मसाला चाय पीजिए। मस्त हूँ भाई। हाँ, मैं चलता हूँ सर। चल चल। हाँ। और भाई सब ठीक चल रहा है? अरे एकदम मस्त। अरे अपना क्या है, सब ठीक है। ये क्या है सर, ये चोर बाजार वाले लड़के यहाँ क्या कर रहे हैं? अब हमें इनसे ही दोस्ती करनी पड़ेगी। इन चोरों से? तेरा किरणों से संक टूट जावे। तेरा पूजा करने में हमें क्यों जावे? पप्पा तेरा किरणों से संक टूट जावे। ए, सब लोग ध्यान से सुनो, इस हफ्ते हमारे सिमरन की शादी होगी। बूढ़ी अम्मा के घर से चले जाने के बाद खुशी का मौका है, हमें इस तरह के मौके का खुशी से स्वागत करना चाहिए। इसका रिश्ता राजस्थान के राजबहादुर से तय हो रहा है और ये सब बड़े लोगों के मर्जी से ही हो रहा है। ब्रो, ये कितना बढ़िया घूम रही है ना? भाई, ये ले, ये निकल गया। थक गया भाई, आज तो बहुत मेहनत। चुप, तने काई लागे है? ये मैकेनिक शॉप है या कोई थारो रेस क्लब है? अरे काका, कल बस 30 मिनट के अंदर हमने 20 टायर निकाले थे और आज 20 के अंदर हमने 25 निकाल लिए। सुनो बेटा, अगर तुमने मैकेनिकल काम सीखा होता ना तो आज यहाँ के सेठ नहीं बन जाते हैं? इस सेठ वेट की बात छोड़िए काका, टायर निकालने के अलावा मेरे लिए और कुछ मायने ही नहीं रखता। बढ़िया बढ़िया, टायर ही हटाओ। अगर तेरी लवर को मालूम चल गया होता ना तो तेरी दिल की धड़कन थम गई होती, समझा ना? काका इधर आइए। हाँ बोलो काका। आपने दाऊद का नाम सुना है क्या? हाँ सुना है। और उसके बॉस हाजी मस्तान का? हा? नाम सुना है ना? नहीं। वो क्राइम करने से पहले कभी भी सोचता था कि? नहीं। अरे वो लोग तो खून खराबा करते थे, हम तो सिर्फ टायर चुराते हैं ना। और काका, आजकल लड़कियां पटाना और आसान हो गया, वो हम जैसों के झांसे में जल्दी आ जाती है, क्या बोलते हो? सही।
लो, उसने तेरी दिल की धड़कन सुन ली। अरे यही तो बात है काका, दिल से मांगो तो वो मिल ही जाता है। अरे अच्छा खासा मूड बना था, क्या हुआ? घर वालों की रोज की शादी की झंझट से मैं परेशान हो गई हूँ। अब तक 19 रिश्ते आ चुके हैं। 19 रिश्ते आ चुके? मेरा दिमाग खराब हो गया तो बुढ़िया को मार दूंगी। ए, क्या बोल रही है तू? एक बात अच्छे से समझ लो, इज्जत से मेरे घर पे आ जाना, जमींदार हो ये बताकर मुझसे शादी कर लेना। बता कब आएगा, वरना पता है ना तुझे। ए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चाय फेंकने की? हाँ, किसने काम पर रखा तुझे? हाँ अगर ये बोल नहीं सकता तो क्या हुआ, इसके हाथ पैर तो काम करते हैं ना। अरे भैया बोल, फिर से करेगा? करेगा फिर से? अरे मत बेशरम कहीं का, चर्बी चढ़ा है ज्यादा, हड्डी पसली एक कर दूंगी तेरी, समझ गया ना? तुझे इस सब से क्या मतलब है? तू भी इनकी पार्टी की है क्या? सामने वाले से बात करने से पहले बात कैसे करनी है ये सीख ले। जीतू जी, आपके पिताजी ठीक है ऐसा पूछना चाहिए था। जीतू, तेरे माँ का पति ठीक है ऐसा पूछने में बहुत ज्यादा फर्क है, समझ गया क्या ये? ए रुकना, अब एक डायलॉग। इस देश में औरत पर हाथ उठाना मर्द अपना हक समझते हैं, लेकिन उस मर्द पर हाथ उठाना ये भी एक मर्द का ही हक होता है। कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए, प्यार के नाम पर इसने मेरी बेटियों की जिंदगी बर्बाद की। प्यार के नाम पे तूने लड़की को बदनाम किया है हरामखोर। अब जा और जाकर किसी मंदिर में उससे शादी कर, नहीं तो मैं गोलियां मारकर तुझे जान से मार दूंगा। क्या हुआ? ये दुकान इतनी जल्दी क्यों बंद हो गई? और नहीं तो क्या होगा भाई, ये चोर बाजार के खुलने का टाइम है, यहाँ ईमानदारों के पास कौन आएगा? जो चीज यहाँ 1000 रुपए में मिलती है वहाँ 10 रुपए में मिलती है, सेम ब्रांड। ए बंद कर रहे, कुछ नहीं होगा यहाँ, तू भी जाकर चोर बाजार में काम ढूंढ। 410 से 414 ये 5 सेक्शन के तहत केस बुक कर दो। क्या होगा भाई, आप हमेशा सेक्शन की बात करते हैं पर इससे होता कुछ नहीं है। हम पूर्वजों के जमाने से कोशिश करते आए हैं कि चोर बाजार बंद करेंगे, चोर बाजार बंद करेंगे, लेकिन वो अभी तक खुला है। वो बच्चन जब तक जिंदा है ना तब तक वो चोर बाजार बंद नहीं होगी और हमारी दुकानें नहीं खुलेगी। जिंदगी भर ना आपका सपना साकार नहीं होगा, लिख कर देता हूँ। मैं इस सपने को जरूर साकार करूंगा। इसी बात पे मैं आपको सलाम ठोकता हूँ। ए चाय बोल रहे, अरे रे 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 रे, गुब्बारा फोड़ेगा गुब्बारा। क्या है ये, जो गुब्बारे फोड़े उसके पैसे दे। मुझसे क्यों बोल रही हो, गुब्बारे तो इसने फोड़े हैं ना। चल दे। बे बंदूक तेरे हाथ में, गुब्बारे सामने पड़े, इसमें मेरा क्या लेना देना, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने नहीं किया, किसी ने फोड़ा है, झूठ बोल रहा है। ए ए ये देख ले, ये क्या लेके आया, देख बाल तो देख। और भाई क्या हालचाल? बच्चन साहब नमस्ते। ये हुई ना बात, किसी कमाल के लड़की के बाल लग रहे हैं। हाँ ना, अच्छा भाव मिलेगा इसका। अरे समझता है, दीदी से ले लो ना, दीदी दीदी ले लो ना इसे। अरे दीदी मानो मेरी बात। अरे क्या चले दो, मैं इसके 10 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगी। दीदी बहुत कम है ये लो पकड़ो। दीदी बस इतने से ज्यादा नहीं दूंगी, बोलो ना इसे। जाओ क्या, कैसे ढंग का काम करता है ये, चोरी का माल लग रहा है, ठीक से रखना उसे। क्या कर रहा है तू? ए चाचा। नमस्ते बच्चन साहब। धंधा कैसा चल रहा है? क्या धंधा साहब, मंदिर में जाकर लोग पुण्य तो कमा रहे हैं लेकिन हमारी मूर्ति खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं। इस दुनिया में अब यही देखना बाकी था, चोर बाजार में भगवान बिक रहे हैं। बढ़िया चाचा, बहुत खूब बहुत खूब। सब ईश्वर का आशीर्वाद। अरे लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी माता। यही तो है सब कुछ। अरे तू यहाँ
जरा जाके देखना बेबी किसी को पीट तो नहीं रही ना। अब इस सब के बीच में जाके मैं क्या करूं? जाके देखना। हाँ चलो जाता हूँ। जा जल्दी। हाँ जाता हूँ। अरे जरा सुनना, ला वो मुझे दे। अरे बच्चन साहब, पुलिस वाले आए। अरे सर कैसे हैं सर, ये जगह कैसी लगी? तो मस्त है। तुम बच्चन साहब हो ना, लड़कों को अच्छे से मेंटेन करना, ठीक है? चाय वाय पियेंगे सर? वो सब छोड़ो, मैं यहाँ पर फ्रिज देखने आया था। फ्रिज लेना है? अरे बल्लू सर को फ्रिज दिखा यार। फिकर नॉट बच्चन साहब, मैं आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है सर। हाँ बाय। चल बाय। ए छोटू रखना, तरीके से धंधा कर वरना मारूंगा पंटर कहीं का। ए, ये सब कहाँ जा रही है लोग? नहीं नहीं, बहुत महंगा है, कम करके दे दो। Have this, take this madam, it suits you very well. हीरोइन लग रही हैं आप। एकदम सही बोल रहा है मैडम। थैंक यू सो मच। अरे चाचा, जब बिजनेस करना होता है ना तो दिमाग भी चलाना पड़ता है, जमाना बदल रहा है, कम ऑन। समझा? चारमीना चाय? अरे मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। चूड़िया? अरे सुनना, नमस्ते। बच्चन साहब के दिल की धड़कन है, आओ इन्हें जो मंगता दिखाओ। अरे एकदम झका, जो पसंद है सब ले लो, सब अपना ही है। अरे बार बार क्या पूछने का, मैं आऊंगा ना। चल वो गुब्बारे फोड़ते। अरे सबको दुआ दिया, तुझे नहीं दिया। तुझे दुआ दिए बिना कैसे जा सकता हूँ? अरे रे, अरे ये क्या कर रही हो बेटी तुम? सारे कबूतर उड़ा दिए तुमने, हमारा धंधा कैसे चलेगा? दीदी बात तो सुनो। अरे बच्चों जाओ यहाँ से, जाओ। भैया ये क्या चल रहा है? सुबह से इसने एक एक करके 10 कबूतर उड़ा डाले, अगर ऐसे ही चलेगा तो मैं अपना धंधा कैसे चलाऊंगा? मेरी बहन है ये, क्या सारे कबूतर उड़ाएगी? ए जाओ। एक बहन जो मन में आए कर। और सेठ लोग बाप बेटे क्या कर रहे हैं? मारवाड़ी चौक में धंधो डालनो है, लेकिन इस भैंसों को दिन में काम करने के बजाय रात में काम करना ज्यादा भाता है। मारवाड़ी चौक में काई धंधा डालोगे? कभी सुअर बुलाते हो, कभी भैंसा बुलाते हो। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, समझ में आया? पहले ही बता रहा हूँ, पछताओगे। ए तेरी तो, ए, बच्चन साहब जीने नहीं दे रहा हमको। अरे बाप ऐसा नहीं बोलते, तू जाना मैं बात करता हूँ। अरे जा रे, अरे लोग यार। अरे क्या समझते हैं अपने आपको, देखो ना बेटा। अरे काका जवान छोकरो है, थोड़ी मेहनत करेगो सब सेट हो जाएगा। अरे टेंशन छोड़ो ना, मुझे परेशान कर रहे। अरे छोड़, मार इसे। क्या बात है, क्या करूं चल बे यहां से। सही बात है यार, कौन सा शर्म नहीं कर दिया ये लगती है क्या मेरी को लगे डार्लिंग। बच्चन, बाप रे ये फिर से आ गई। तुम मेरी बात सुनोगे कि नहीं? इधर देख, अगर यहां एक भी सामान टूट गया ना तो सबसे पहले मैं तेरे पैर तोड़ूंगी। चल प्रोग्राम शुरू कर। बेबी जब तक तुम मेरे साथ हो ना, इस दुनिया को मिट्टी में मिला दूंगा। अब सब देखेंगे बच्चन साहब का खेल। अरे जाकर आराम से बैठो, एंजॉय करो। आई लव यू। Hey!
अमर वकील साहब, सुना है कि आपने सामने वाली की बैंड बजा दी, पेपर में भी छपा है। बैठो। तो बताओ चोर बाजारी के मामले में क्या हुआ? इस बार भी मैंने केस दर्ज किया जो आपने कहा था। इतने छोटे मामले की जो आप बात कर रहे हो ना, उसके चक्कर में मेरी प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। कल मैंने पूरी केस स्टडी की। 200 ईयर ओल्ड बाजार इन बिहार हैज बीन क्लोज्ड अंडर सेक्शन 405 एंड 425। तो सारे वही सेक्शंस यूज करो और केस पुट अप करो। ये फिर से शुरू हो गया। ओके। वाह, सुनो लक्ष्मण भाई, अगर भाई को काला कोट पहना दिया ना, तो पूरे इंडिया में इन्हें कोई नहीं हरा पाएगा। भाई मानना पड़ेगा आपको, आपको सारे सेक्शन मालूम है। जो काम ये खुद कर सकते हैं उसके लिए दूसरों को लगा रखा है। गब्बर भाई, इस बार मैं जो सेक्शंस बताता हूं उनके तहत केस करेंगे। मतलब भाई को सेक्शन का कुछ पता नहीं? अरे अरे अरे, मेरा ये मतलब नहीं था। क्या मतलब है? आप सेक्शंस की बात कर रहे हो, मुझे तो पैसे मिलते ही हैं। आप तो हमें बस उदाहरण दे रहे थे कि बाकी जगहों पर क्या हुआ था। हर बार आप मुझे ड्रिंक ऑफर करते हैं, मुझे और क्या चाहिए? मैं तो खुश हूं। पूरी तरह से खुश है ना? तो भाई ने जो सेक्शन बताया उस पे काम करना। इंटेलिजेंस रिपोर्ट इंडिकेट करती है कि इस डायमंड की चोरी के पीछे स्मगलर चार्ली का हाथ है। उसने जो कुछ भी चोरी की आज तक वो कभी बरामद नहीं हुआ। वो दिखता कैसा है इसका कोई सुराग नहीं है। चोर बाजार में जो कोई भी आता है वो जाके सीधे इस लड़की को प्रोडक्ट बेचता है। और इस बाजार में ऐसी चलती फिरती गाड़ी सिर्फ एक ही है। कल रात हंगामे में इसी ठेले से डायमंड गायब हुआ था और अभी तक डायमंड का कोई भी सुराग नहीं मिला सर। हमने चोर बाजार के चारों तरफ निगरानी कर रखी है। सो इस बात का कोई चांस नहीं है कि डायमंड बाजार से बाहर गया होगा। एंड वन मोर थिंग, चादर घाट के छोटे चोर के इस डकैती की घटना रियलिटी से बिल्कुल मेल नहीं खाती है सर। डजंट मेक सेंस। एंड आई एम श्योर देयर आर बिग पीपल इन्वॉल्व इन बिहाइंड दिस। अरे मेरी गोटी यहाँ रखता हूँ। तार में फंस गया रे। अरे अच्छा। अरे क्या है? ए गोटी खेल रहा है। अरे क्या कर रहा है तू? ब्रो, मेरी गोटी को क्या हो गया है? अरे ये ना खुद खेलेगा ना हमें खेलने देगा। चलो फिर से लाइन से बोलने लगाते हैं। अरे रुकना। ब्रो जल्दी आओ यहाँ, जल्दी ब्रो। अरे जा नहीं आता मैं, ये तेरे को बुला रहा है। ए सीधा खड़े रहो तुम लोग, कितना क्यों हिल रहे हो? और ये कौन है? ए रुकना, जब तू जानता नहीं वो क्या है तो हाथ क्यों लगा रहा है? हटना। अरे अरे कुछ भी हो सकता है, दूर रहो। अरे रुक जा ब्रो, एक बार देखो तो अंदर क्या है। अरे रुकना। आओ भाई, सलाम वालेकुम। आपके आने की बहुत खुशी हो रही है भाई। कितने दिन हो गए आपको देखे हुए? ये सब प्लान नहीं किया था भाई। बहुत खुशी हुई भाई जो आपने इस गरीब के घर आने के बारे में सोचा, मेरा तो दिल खुश हो गया है। जब नवाब गरीब के घर आता है तो गरीब नवाब बन जाता है। आइए भाई बैठिए। भाई ये सब मेरे दोस्त है, यही मेरी फैमिली है। सब ठीक है ना भाई? बेटी माशाल्लाह, ये तो चांद का टुकड़ा है। वाह वाह वाह। ये किस लिए भाई? परसों ही दुबई से आया था। रख लो। फ्लाइट से? या अरे तो फ्लाइट से आए थे। आप दुबई में क्या करते हैं भाई? बुर्ज खलीफा मालूम है? उसके 125वें फ्लोर पे बैठ के दुनिया को देखते हुए पैग लगाते रहते हैं। माशाल्लाह, अगर कहीं मैं दुबई में पैदा हुआ होता तो मेरा घर भी पैसों से भरा हुआ होता साहब। हमारे निजाम भाई को जानते हैं आप? हाँ निजाम भाई। हाँ, हाँ जानता। निजाम भाई की बेटी की शादी करा दी, किससे मालूम है? दुबई शेख के साथ। वो अब कैसी है? कैसी है? दोनों मस्त मजे कर रहे हैं, करोड़ों हैं उनके पास, जबरदस्त खुश है मियां बीवी। आप भी दुबई आ सकते हैं, मालूम है? एकदम डायमंड जैसा रिश्ता है, डायमंड चांस समझ लो। हर किसी को मिलता है क्या?
हे ब्रो, इसे डायमंड बोला तो चांस नहीं मिलेगा। अरे माफ करना भाई, मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकता, ये आप रख लो। ठीक है। बच्चन, उस बूढ़ी अम्मा का मरना मेरे लिए मुसीबत बन गया है। बहुत सारे लोग हैं घर पर मुझे समझने वाला कोई नहीं। देखो आज मैं तुम्हारे बाजू में क्यों बैठी हूँ, क्योंकि उस दिन तुमने मुझे बचाया। मैंने एक बार क्या कहा, मुझे तुम्हारा चोर बनना पसंद नहीं है, तुमने 24 घंटे गैरेज में काम करना शुरू कर दिया। तुम बिल्कुल अमीर इंसान की तरह मेरी देखभाल करते हो। घर पर क्या बोलना है ये अभी तक क्लियर नहीं है, और तेरा जमींदार होने का कोई प्रूफ भी नहीं है। मुश्किल है बच्चन, रोज रोज की झिकझिक से दिमाग खराब हो गया है। समझने की कोशिश करो ना प्लीज बच्चन। अरे मैं भी तो ये कह रहा हूँ ना, जैसे तुम्हारे घर में एक बूढ़ी माँ है, वैसे मेरे घर में भी तो बूढ़ी माँ की प्रॉब्लम है ना। जब मैं कुछ कहता हूँ तो अमीरी की बात करती है, जब मैं जवाब देता हूँ तो चुप हो जाती है। अरे कुत्ते जैसी जिंदगी हो गई है, क्या करूं मैं। ठीक है भाग चलते हैं। अरे जरा ज़ूम करो तो, मैंने पकड़ लिया। आज मैं गब्बर भाई को कमल का तोहफा दूंगा, क्या बोलते हो? सर डायमंड 100% चोर बाजार में ही है। अगर किसी को उसकी हकीकत का पता होता अब तक तो खबर भी आ जाती। चोरी किसने की पता है ना? हाँ सर, हमारी खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि वो डायमंड चार्ली संजय नाम के आदमी ने चुराया है। क्या बोला, चार्ली संजय? जीजा फिर तो हमें उस डायमंड को भूलना पड़ेगा। जीजा वो आदमी तो बहुत बड़ा बदमाश है। हाल ही में उसने अमेरिका में एक हाई सिक्योरिटी वाली जगह से 150 करोड़ की चोरी की थी। इंटेलिजेंस एजेंसी, पुलिस या और किसी विभाग ने भी उसकी शक्ल नहीं देखी आज तक। तो हम क्या करें, खुशी का मौका समझकर सेलिब्रेट करें। सर हेलो, हमारी 10 टीमें उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है सर। ये फालतू की बातें करना बंद करो, कितनी बार छोड़ेंगे हम उसे। जीजा एसपी ने हमारे हिसाब से काम किया, देख लेना। हाँ बाद में करता हूँ। जीजा एक्स होम मिनिस्टर बात नहीं मान रहा है, कमीना धरने पर बैठा है। आप कुछ करेंगे या उसकी बैंड बजाने का काम मैं ही करूं? उसे यहाँ बुलाकर तोहफा दे दो, शायद उसे पता नहीं पॉलिटिक्स में रिटर्न गिफ्ट भी होता है। तब मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे मेरे पिताजी से 1,000 एकड़ जमीन मिली है, इसीलिए मैं जब से पॉलिटिक्स के पावर में आया हूँ ना, तब से रेजिग्नेशन लेटर मैं अपनी जेब में लेकर घूमता हूँ। अब तुम लोग ये तय करो कि डायमंड लेकर आओगे या मेरी तरह रिजाइन करोगे। चलो जाओ। सर वो आंख बंद करके सामान की क्या लोकेशन है बता देता है। वो ऐसा आदमी है जिसे विज्ञान भी समझ नहीं पाई है। ये मुंबई में सेलिब्रिटी के घरों में ओरिजिनल चीज को डुप्लीकेट में बदल देता है, यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरा भी उसे पकड़ नहीं पाता है। हमारा उसे पीटने की वजह से वो कोमा में जा रहा है सर, उसका नाम पता है? हाँ पता है, मान जा। सर स्पेशल ऑफिसर हैदराबाद से आए हैं। अब तक तो हम इसके मुंह से कुछ निकलवा नहीं पाए, ते तू हैदराबाद तो आके केड़ा तीर मार देगा। दिखा मेनू की तैयारी करते आया। अरे भैया प्लीज उठ जाओ, सच बताओ ना। व्हाट? ओए मैं तेरे के हाथ जोड़दा, सच कबूल ला। उठ गए। तुमने मेरे ईगो को सेटिस्फाइड कर दिया है, बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। अब तक आपने हमें बहुत परेशान करके रखा है, आप पहले 25-30 क्राइम कर चुके हो। ओ मैनू ओदी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप सिर्फ इतना बता दो कि आपने दाऊद को कैसे मारा। ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस है, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम सबकी पैंट गीली हो जाएगी। बैठ जाओ। मुंबई के दाऊद की मौत बहुत बड़ा सस्पेंस है। सस्पेंस ना रखो, बात बताओ, मैनू टेंशन हो रही है। आखिर आपने दाऊद को कैसे मारे? सस्पेंस का मतलब है कि उसका खुलासा नहीं होना चाहिए, बेवकूफ। लॉजिक से ही चूक गए तुम तो। सोचते रहो। हुँ?
इसकी खाली बोतलें बेचकर भी कोई भिखारी लखपति बन सकता है। अरे शंकर, इस शराबी पर भरोसा करना ठीक भी है या नहीं? वकील साहब, आप सच में वकील हैं ना? पता नहीं, मुझे भी शक होने लगा है कि मैं वकील हूं या कोई बेवकूफ हूं। शक्ल से तो वही लगते हो। हर कोई मुझे सेक्शंस का ज्ञान दे रहा है। अरे सुबह होते ही हर कोई अपनी राम कहानी लेकर हमारे सामने बैठ जाता है। अरे पता है कैसे केस आते हैं? बीवी ने चिकन नहीं बनाया तो उसे जान से मार दिया। लड़का लड़की में प्यार होता है और लड़की का भाई लड़के को जान से मार देता है, और फिर बोलेंगे सर इसकी वजह का पता नहीं चल रहा है और दिमाग का दही हो रहा है। नहीं तो फिर बोलेंगे सर लड़के ने रेप किया होगा, सर कार एक्सीडेंट हो गया होगा, सर लड़के ने चोरी की होगी। हर कोई सीबीआई ऑफिसर बनकर बैठा है। कम से कम एक भी मान ले कि उसने रूल्स फॉलो किए हैं, लेकिन वो ये नहीं करेंगे। इस गलती के लिए कोई धारा है क्या? है कोई धारा? अगर लोग रूल्स फॉलो करें तो तुम्हारी क्या जरूरत है? हमें तुम्हारी इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि वो लोग बड़े क्राइम्स करते हैं। अब मानता है ना कि तू सच में बहुत बड़ा बेवकूफ है। इसी बात पर एक और ले ले, ये ले, बैठ जा बैठ जा, बैठ कर पी पी ना, पी ले, फोकट का माल है। चल अब निकल। चल निकल। क्या भाई, गब्बर भाई, अगली बार मैं सेक्शंस पर बात करूंगा, तब मैं साबित करूंगा कि मैं वकील हूं या नहीं। अरे आराम से आराम से। अच्छा उसका नाम क्या है? नाम है बच्चन, बच्चन साहब। हम जमींदार फैमिली से हैं। गले में चीते का नाखून और घर के सामने कार, बस यही है पहचान। खुद को समझता क्या है? बच्चे जैसा दिखता है और खुद को बच्चन बताता है। पहले ही बताना बच्चन नहीं बच्चन साहब, ऐरा गैरा ना समझो इसलिए खुद के बारे में बताया। वो तो शादी की बात करने आया हूं, वरना तुझे अपनी भाषा में समझाता। ए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की शादी की बात करने के लिए यहाँ तक चला आया तू? तेरी बहन से नहीं तो क्या तुझसे शादी करूंगा। ए, खमा का टाइम खोटी मत कर, तेरी बहन कहाँ है? सिमरन, 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 ये क्या कर दिया? सिमरन, नहीं सिमरन, सिमरन, ए, सिमरन नहीं, ए, उठ जाओ, सिमरन, सिमरन पहले ही उठ चुकी है, अभी तो तू सो रहा है, नहीं, चलो सिमरन, उठो, नहीं, ऐसा मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ, ए, एक बार बोलने से नहीं उठ सकता ना? सुबह सुबह इसकी सपनों का पंचायत शुरू हो गया, लड़की नहीं मिली ये अच्छा हुआ, वरना सपनों में बच्चा भी पैदा कर लेता। अरे भूत, भूत कहाँ है तू? खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा तुझे। जो भी वो सपने में हुआ, पर वजह तुम हो। सब मेरी वजह से हुआ? बिल्कुल, तुम्हें ने कहा था ना बात करो, मैं बात करने गया, क्या हुआ देखा ना, गला काट दिया उसका। अरे बच्चन एक बात ध्यान रखना, जैसे ही लड़की अपने घर से बाहर कदम रखती है उसकी जिंदगी बदल जाती है, ये सारी बातें मैं जानती हूँ, लेकिन तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। घर वालों को राजी करके शादी कर, डर कर भागना ठीक नहीं है। अरे तू जबरदस्ती मुझे टॉयलेट क्यों लेकर आया? जबरदस्ती क्या भाई, आपको टंकी भरी हुई अच्छी लगती है? खाली करो, अच्छा महसूस होता है।
कितना सुकून, कितना आराम है। मेरे हाथ, ये आवाज कहां से आ रही है? भाई टॉयलेट में लेडीज है। अब लेडीज यहाँ क्यों आएगी बे? बस करो भाई, कितना मुतोगे, लेडीज आई है कह रहा हो ना। उधर खड़ी है भाई, देखो। आओ ना भाई, ये लेडी है क्या लेड़ा? ए, तू 10 मिनट के लिए रुक जा, उतना काफी है। हे, छे, बड़ी गंदी चॉइस है आपकी, मैं नहीं रुकूंगा यहाँ। इधर आ भाई। ए, तू बस 10 मिनट के लिए उस बाथरूम में छिप जा। ए, उठा मत, ए, ए, नीचे कर, नीचे कर। अरे अब बता, कुछ दिखा क्या? चार्ली। चार? इसका मतलब उस चार्ली ने हमें टपकाने के लिए मिठे को भेजा। माँ कसम भाई, छी बहन, छी भाई बहन, माँ कसम, भाई के दिल में क्या है ये जानने के लिए मैंने ऐसा पूछा। कड़वी है छी। ए, पुलिस को पता चल चुका है कि चार्ली कहाँ गया है। हमें किसी भी कीमत पर वो डायमंड को ढूंढना पड़ेगा। चार्ली का उठाया हर कदम पता चल जाएगा सर, हम किसी भी हालत में डायमंड शहर से बाहर नहीं जाने देंगे। अरे वो चार्ली हो या चैपलिन हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ही दिखे उसका विकेट डाउन कर दो, जल्दी खबर करो। अरे चुनाव के टाइम ये क्या मैटर लेकर आयो? इतनी टेंशन मुझे जिंदगी में कभी नहीं हुई। मैंने अपने विरोधी को लैला का नाच नचवाया है, तो ये हीरो कौन है? फटे बांस की तरह चिल्ला मत, बोल क्या है? अरे पुलिस के हिसाब से तो डायमंड चोर बाजार में ही है, और कोर्ट के हिसाब से तो चोर बाजार खुद इलीगल है। नोटिस जारी हुआ? अरे उसी बाजार के किसी गब्बर ने वहाँ चोर बाजार है इलीगल बोल के आईडी कार्ड ना होने का केस फाइल किया था। अरे हमारे शहर में ऐसे लोग कहाँ से आ गए जिनके पास कोई आईडी प्रूफ ही नहीं है? हमारे परिवार के लिए खुशखबरी है। मैंने अपनी प्यारी बेटी सिमरन का हाथ राजस्थान के राज बहादुर के पुत्र गणेश सिंह को देने का फैसला कर लिया है। उनके पास 250 ऊंट हैं, वो गांव के सरपंच है, और उनके पास इतना धन है कि उनकी कई पीढ़ियां बैठे बैठे खा सकती है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस शादी से सहमत हो जाएंगे। मुझे ये शादी पसंद नहीं है। मैंने गणेश नाम सुनकर वो गणेश जैसा सीधा साधा होगा ये सोचा था, इतना मंदबुद्धि होगा ये नहीं सोचा था। मेरी बहन इससे शादी करेगी क्या? मैं इसके खिलाफ हूं, चलो। तुम एक गूंगी लड़की हो, इसलिए सहानुभूति दिखाकर तुम्हारे संग ब्याह को तैयार हो गया। कल फिर से मुझे लड़का देखने आया था, घर पे सिर्फ पैसे और स्टेटस की ही बातें चलती रहती हैं। मुझे नहीं लगता कि अब हमारी शादी हो सकती है। ए भगवान, सालों से बस यही सुन रहा हूँ तुम्हारे टेप रिकॉर्डर बार बार लगातार, अरे थक गया हूँ मैं इससे। ओके ठीक है सॉरी सॉरी सिमरन सिमरन, ओके ओके मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें? 4 मिनट चाहिए, बोलो चाहिए, अभी लाके देता हूं, बोलो। जिंदगी भर तेरे साथ रहना चाहता हूं, संग जीना संग मरना, मेरे साथ तू, तेरे साथ मैं। देख मैं हिंदी में बात करता हूं और तू अपने हिसाब से, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। अब तू बता क्या करना है, तू चाहती है यहां से कूद जाऊं? बोल, बोलेगी तो कूद जाऊंगा। एक बात समझ में नहीं आ रही इसको। क्या हम भागकर शादी कर सकते हैं? क्या हम भागकर शादी कर सकते हैं?
क्या हम भागकर शादी कर सकते हैं? मुझे कसकर गले लगाओ। शादी करने के लिए उन्हें सबसे पहले अपने माँ बाप से अनुमति लेनी होगी और अगर उन्होंने ऐसा किया तो उसके बाद समाज कोई भी सवाल जवाब उनसे नहीं करने वाला। उम्मीद है जमाना बदल गया ब्रो, कोई भी यहाँ आकर कुछ भी बोल सकता है। मुझे कभी पता नहीं चला कि मैं किसी के प्यार में था, वो लड़की जिसके मुझे बाल अच्छे लगे और मैंने उसके लिए चोरी भी की। अगर हमारे अंदर दम है तो किस बात का डर है? जरूरत पड़ी तो लड़की को भगा ले जाएंगे। कुछ दिन बाद तो मम्मी पापा भी शांत हो जाते हैं, हमारा प्यार कितना सच्चा है उन्हें पता चल जाता है। यार छोटू, लगता है तू मेरे से पहले अपनी वाली को भगा के ले जाएगा। भाई एक काम करो, जितनी जल्दी हो सके उसे भगा ले जाओ, भले बाद में पकड़े जाओगे लेकिन जब साथ में बच्चा होगा तो शादी कौन तोड़ेगा, सोचने वाली बात है। हाँ भैया। अरे भाई कोशिश करके देखो ना, सेट हो गई तो लाइफ लॉन्ग मस्ती। अरे आज तक मेरी बात तुम लोग सुनते थे लेकिन आज तुम लोगों की बात मैं सुनता हूं। क्या भाई बार बार घड़ी क्यों देख रहे हो? टाइम रुक गया है क्या? हमारा टाइम तो अब शुरू हुआ है। सर कोर्ट ने कल के लिए चोर बाजार बंद रखने का फैसला सुनाया है। तुम सबको हो क्या गया है? रोज नया मैटर लेकर आते हो? मुझे कुछ नहीं पता। जाओ जाकर रातों रात बुलडोजर लेकर आओ और पूरे चोर बाजार को धराशायी कर दो। वो डायमंड मुझे उसी म्यूजियम में चाहिए, बाकी चीजें मैं संभाल लूंगा। अरे 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 अरे, ए, तुम सब चले जाओ वरना अल्लाह तुम्हें नहीं छोड़ेगा, अल्लाह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अरे तुम पुलिस हो या गुंडे हो? अल्लाह देख लेगा। अरे बस करो। अरे बस करो। ए, चोर बाजार में जितने भी डुप्लीकेट डायमंड है सबको इकट्ठा कर लो। ओके बॉस। अरे मिल गया। अरे जल्दी करो। अरे आजा। ए सिमरन रुको, सिमरन सिमरन रुको, सिमरन रुको रुको, सिमरन रुको सिमरन। अरे रुक जा। वन टू थ्री फोर। दे 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 बंदर जी। तूने मुझे मारा है बंदर बाबू, अब मैं तुझे बताता हूँ। भाई हम भी फ्रीज हो गए हैं। उसकी आंखों में रंग फेंक के उसे पकड़ो, बच के नहीं जाना चाहिए।
लक्ष्मण भाई जिंदाबाद, भाई 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 भाई, आपने तो कमाल कर दिया। चल दूर हटकर बात कर। वाह, तुमने वो सेक्शंस यूज किए जिसके बारे में शायद ही वो जानता। अरे भाई, ये बात तो मैं बहुत पहले से कहता आया हूँ, अब मेरी कैपेसिटी बढ़ चुकी है। सारे लीगल केस उठाकर चोर बाजार पर लगा दिए हैं। जब पता चला कि उनके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, आतंकवादी केस भी लगा दिए। अब देखता हूँ कि कोई कानून के हाथों से कैसे कैसे बच सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा गब्बर भाई, खुद भगवान भी धरती पर आएंगे ना तो भी चोर बाजार नहीं खुलेगा। शाबाश लक्ष्मण भाई। किसी को भी दर्द होता है तो अपनी माँ को बुलाता है, लेकिन तू बेबी का नाम लेता है। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, जब मैंने वहां जाने के लिए मना किया तो तू वहां गया क्यों? तुम सब यहाँ मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? जानते हो ना मैं कौन हूँ, ये बताओ बच्चे लोग। गले में चीता का नाखून, घर के सामने कार, हाथ में हथियार, बच्चन साहब जमींदार। बेबी फिक्र मत कर, देखो मैं एक जमींदार का बेटा हूँ, इस उम्मीद में जी रहा हूँ, ठीक है? पता है मैंने पहले उनको पीटा, लेकिन उसके बाद मैंने मार खा ली, इसकी वजह जानती हो? अब ऐसा कौन चाहेगा कि उसकी बहन बेटी की शादी किसी चोर उचक कैसे हो जाए? इसीलिए सच्चाई सामने आने तक हमें झुक कर रहना है, और उसके बाद आराम से पीटेंगे, क्या दिक्कत है? तुम ज्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। कोई तुझे मारे ये मैं बिल्कुल सह नहीं पाऊंगी, मैं सिर्फ तेरे लिए जी रही हूँ। सारे करीबी रिश्तेदार छूट चुके हैं, मैं तुझे ऊपर वाले का तोहफा मानकर खुशी के साथ जीती आ रही हूँ। तेरी जिंदगी में सिमरन ना भी हो तब भी चलेगा, मैं हर बात छुपा कर रखती हूँ, सिर्फ उसकी वजह तेरी खुशी है। पर अगर तू खुश नहीं है तो जमींदार की कहानी की कोई कीमत नहीं है। तेरी कहानी सुनाने से पहले मैं तुझे अपनी कहानी सुनाऊंगी। सपनों को याद करके और उन्हें सजोते हुए 35 साल की हो गई। भले ही मेरे पिता ने इस प्यार की कोई कीमत नहीं समझी, लेकिन मैं खुश थी। सारे पैसे सूटकेस में रख लिए ना? ये ओरिजिनल सोना है ना? अमिताभ बच्चन के साथ शादी होगी। अरे बाप रे, इतनी शर्म। लेकिन उससे शादी करने के लिए तो तुमने इतना इंतजार किया है। मुझे उस दलाल जग्गा राव पर भरोसा था, उसने मुझे बच्चन जी के पास ले जाने का वादा किया था। मैं बच्चन जी के साथ शादी के लिए निकल पड़ी, लेकिन मेरी मासूमियत का फायदा उठाकर उस दलाल ने मेरा सोना और पैसा चोरी कर लिया और मुझे इस शहर में लाकर छोड़ दिया। उसने मुझे धोखा दिया था। मेरे पिता अपना सम्मान खोने की वजह से दुख में चल बसे। एक साथ इतना सारा दुख देखा तो मेरे अंदर जिंदगी जीने की चाहत खत्म हो गई।
तब मैंने फैसला किया कि मर जाना ही बेहतर होगा और मैं कूदने जा रही थी। की आवाज ने मुझे मरने से बचाया। अपना दुख भूलकर मैंने तुझे गले से लगा लिया और मुझे तेरी चिंता हुई। तुझे मुस्कुराता देखकर एहसास हुआ और तेरे लिए मैंने जीने का फैसला किया। मैं सीधे तुझे मंदिर ले गई और अपने पसंदीदा अमिताभ बच्चन के नाम पर तेरा नाम रखा। बच्चन साहब, मैंने तुझे जमींदार की तरह पाला। मुझे तेरा चोरी करना अच्छा नहीं लगता, फिर भी तू चोरी कर रहा है। हेलो, ये क्या बात कर रही हो तुम? वैसे मैंने चोरी नहीं की है, इसने की है। पूछो इसे। सिमरन, सॉरी, मैं जिंदगी में चोरी नहीं करूँगा। इस तरह तुम्हारी सिमरन से जान पहचान हुई। बच्चन, बच्चन साहब, जमींदार। जब भी तू सिमरन से मिलता खुद को जमींदार बोलता, इसलिए मैं तुझे कभी ये बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई कि तू जमींदार नहीं था। क्योंकि मुझे इस बात की चिंता थी कि हकीकत जानकर कहीं वो तुझसे दूर ना हो जाए, लेकिन उस प्यार की खातिर तूने मार खाई। एक बार बोलते हो इसने जादू किया, दूसरी बार बोलते हो ये ऐसा ही है। डायमंड के लिए इस बंदर को क्यों लेटाया? सर, मैंने इस बंदर की डायमंड निगलते हुए फोटो ली थी। जीजा, ये तो कमाल हो गया। जैसा मैं आपके साथ मजाक करता हूँ वैसे ये पुलिस वाला भी कर रहा है। चुप रहे बंदर, खड़े खड़े सेल्फी निकालोगे क्या? ऑपरेशन करो और डायमंड को बाहर निकालो। सर, रिपोर्ट अभी आने ही वाली है। ए, ये रिपोर्ट क्या लगा रखा है? तुझसे नहीं होगा, लाचा खुद एक्सरे रिपोर्ट आते ही होंगे। सर, सर रिपोर्ट्स, रिपोर्ट से पता चल जाएगा जीजा। इसमें डायमंड विजिबल नहीं हो रहा है सर। सॉरी सर, बंदर के पेट में डायमंड नहीं है। अरे इसके पेट में नहीं है तो कहां गया? हटो जरा। सर, ये क्या है डीसीपी, बताओ? तुम्हें ने कहा था ना ये बाजार में था, चार्ली इसका कुछ नहीं कर पाया। बाजार में डायमंड था या तुमने चोरी कर लिया? एक बात बोलूं, मुझे भी इसी पर शक हो रहा है। क्योंकि अब तो कोर्ट ने भी बाजार बंद करवा दिया है। अगर हम बंदर को काटते भी हैं और फिर भी डायमंड नहीं मिला तो उसके बाद क्या होगा? अरे, ये तो कहावत ही चेंज हो गई, खोदा पहाड़ और चूहा की जगह बंदर आ गया। बचन ब्रो, अरे देखते हैं उसके बाद क्या होता है। रोज वो पागल आदमी डरा डरा कर हमें पेशाब करवा रहा है, कुछ करो ना। ए, निकल ऐसे। आया बड़ा हमारी परेशानी बढ़ाने। जाने दे। अरे बच्चन साहब, टेंशन मत लो, लोग चाहे कुछ भी बोले तुम हमारे जमींदार हो। टेंशन मत लो, चल मारो यार। अरे क्या यार, अब तक खुद को जमींदार करता रहा, अब जमींदार तो मैं रहा नहीं, तो क्या चोर हो गया? चोर हूँ क्या मैं? खैर, जिसको जो बोलना है बोल सकता है, क्या फर्क पड़ता है। बच्चन, बिल्डअप तो जमींदार का दिया, लेकिन आखिर तू निकला कौन? चोर ना। देख, यूट्यूब पर वीडियो ट्रेंड कर रहा है। तेरी चोर बोलने की हिम्मत कैसे हुई? ए, चल, 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 चल।
चोर बाजार के चोर के साथ भागने के लिए हमारी सिमरन ने हमारे घर की इज्जत, मान, मर्यादा, परंपरा को नुकसान पहुंचाया है। हमारे साथ साथ इस घर के नौकर की भी इज्जत है। ऐसे में हम सब ने आज आत्महत्या करने का फैसला किया है। लेकिन अगर हमारी प्यारी लड़की सिमरन हम सबकी जान बचाना चाहती है तो वो हमारे अनुसार चले, तभी इस सामूहिक आत्महत्या को रोका जा सकता है। अरे हट जाओ, चलो हट जाओ, जरा उठो। ये क्या है, ये क्या है पाशा भाई, पाशा भाई, हे भगवान, ये क्या है पाशा भाई? हम सबको बताने के बजाय आपने ये किया। अरे बताओ ना कि हम क्या कर सकते हैं, हम पर जो बीत रही वो कम है। हे भगवान क्या हो रहा है, मैं ये सब नहीं देख सकती। येटो, अरे बच्चन जल्दी आकर देख पाशा भाई ने क्या किया, देख और पूछ इनसे ये क्या किया। पाशा भाई, पाशा भाई, क्या हुआ है बताओ, बच्चन पूछ रहा है, उसे बताओ। मेरी बहन कहाँ है, कहाँ है मेरी बहन? अरे 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 शांत हो जाओ पाशा भाई, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैंने अपनी बच्ची के साथ गलत किया। अरे विश्वासघात हुआ मेरे साथ। अरे नहीं नहीं पाशा भाई नहीं, क्या हुआ है बताओ तो हमें। मैंने अपनी बच्ची के साथ गलत किया, मैंने उस दलाल पर भरोसा किया, उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। बच्चन बेटा, बच्चन बेटा, मैंने उस शेख पर भरोसा किया और उसने मेरी बच्ची को वैश्यालय में बेच दिया। बेटा मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो बेटा। बच्चन बेटा मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो। शांत शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे जल्दी जाकर मोबाइल ला, जल्दी लाकर दे, चल शांत हो जाइए। ए कहाँ है तू, जहाँ है वही रुक, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं कमीने। क्या बोल रहा है वो, आज तू गया। अरे बच्चन कहाँ जा रहे हो तुम? अरे पाशा भाई, मैं सब संभाल लूंगा। इस कमीने को पकड़ो, छोड़ना मत इसको। जवाब दे। मेरी बहन, मेरी बहन कहाँ है? बोल, बोल वरना मार डालूंगा।
कहाँ है मेरी बहन? कहाँ है? बोल कहाँ है वो? बोल बोल नहीं तो फोड़ दूँगा। बोल कहाँ है? कहाँ है वो? मेरी बहन कहाँ है? कहाँ छुपा कर रखा है मेरी बहन को? बोल कहाँ पर है? कहाँ छुपा कर रखा है? बोल बोल वरना वो ट्यूबलाइट तेरे पेट में घुसेर दूंगा। बोल बताता हूँ मुझे मारना मत। बताता हूँ सब बताता हूँ मारना मत। चल आराम कर। सर अगर दो दिन में मेरी बहन नहीं मिली ना तो मैं जेल जाने से पहले ही से मार दूंगा। बच्चन तुम्हारी बहन ही नहीं 10 लड़कियां और हैं, मैं उन सबको बचा लूंगा। लालन। हाँ सर। रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करो। ओके सर। मैं सब संभालूंगा। डोंट वरी। हेलो हेलो। डोंट वरी बच्चन, आई टेक केयर। टीम लेकर पहुंचो। थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन। जी सर। मुझे तुमसे एक जरूरी बात पूछनी है। Hey, out, out, out. Relax. बस छोटी सी इंफॉर्मेशन चाहिए। ए, मैं ये नहीं हूं। मैं नहीं हूं ये। मेरी बात सुनो। मैं बताता हूं क्या हुआ। मैं बताता हूं ना। मेरी बात सुनो बस। सिमरन चल निकल यहाँ से। अरे कल से बाप भीख नहीं मांग सकती। अरे क्या कर रहे हो? ये मेरा नहीं, मैं नहीं दूंगा। चल हट। अरे देना। दिन ब दिन दिमाग खराब होता जा रहा है काका। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि ये लोग घर पर चोरी करना शुरू कर चुके हैं, और एक तरफ वो है कि सब कुछ जाने बिना वो ऐसे चली गई जैसे सबसे बड़ा चोर मैं ही हूँ। मैं जानता हूँ इस बाजार को बंद करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ वो गब्बर है। एक बार हाथ में आ जाए ना काका, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। बच्चन, उस गब्बर का सामना करने के लिए हमें कानूनी तरीके से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा, समझ गए ना? काका, मैं कुछ नहीं जानता। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बाजार को खुलवाइए। बॉस, मैं आपके पसंद के डायमंड्स लेकर आया हूँ, इसे चेक करके देखिए। इतने सारे रंग के डायमंड, लड़की की लिपस्टिक है क्या जो मैं चेक करूँ? ऐसा डायमंड हमें कहीं नहीं मिलेगा सर, मां कसम। कूल बेबी कूल। मेरे कानों में कुछ भी नेगेटिव पड़ता है ना तो मेरा ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है। अरे तुझे समझाया था ना मैंने यार, कितनी बार समझाया तुझे। अरे ये क्या है? लाल सलाम वकील साहब। लाल सलाम। अरे काका, यही तो था वो कमीना। अरे रुको बेटा, पहले मुझे तो बात करने दो, बाद में तुम कर लेना। वकील साहब, अब सब कुछ आपके ही हाथ में है, जानते हो 60 परिवार सड़क पर आ जाएंगे। अकड़ बकड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। हर केस की यही कहानी। देखो भाई,
ये केस मैं नहीं लड़ सकता, तुम कोई दूसरा आदमी ढूंढो। आपको ये केस लड़ना ही पड़ेगा। मैंने कहा ना मैं केस नहीं लड़ूंगा। ये केस लड़ना ही पड़ेगा। अरे कितनी बार समझाऊं, समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? हाल में ये तुम्हें केस लड़ना ही पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, कुछ भी हो जाए मैं ये केस नहीं लड़ सकता। हेलो, पता है ये केस किसने फाइल किया था? किसने? मेरे भाई लक्ष्मण ने। तू क्या जाने कौन है तेरा, किसके घर में किसका बसेरा। तीर चला छलनी कर सीना, युद्ध है पगले सोचना इतना। अब डर किस बात का है, मैं खुद हूं तेरे साथ। जाओ घर जाओ। इस केस में जितने भी लोगों के पास आई कार्ड नहीं है वो इलीगल धंधा चला रहे हैं और उसमें भी तस्करी का सामान बेच रहे हैं, ऐसा गब्बर सिंह ने आरोप लगाया है। इसको आधार बनाकर चोर बाजार बंद कर दिया गया था और संपत्ति कुर्की कर ली गई, लेकिन अब उसी कुर्की को चुनौती देकर याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट अब दोनों बच्चों की दलीलें सुनना चाहेगा। प्रोसीड। योर ऑनर, पूरे हैदराबाद में इतनी सुरक्षा के बावजूद कैसे 300 लोगों के पास कोई आईडी कार्ड नहीं है और ना ही कोई ठिकाना है। रात के समय धंधा करते हैं, चोरी की हुई चीजों का अवैध कारोबार करते हैं। आप ही बताइए हम इन लोगों को चोर या आतंकवादी कैसे नहीं समझ सकते हैं? बचाव पक्ष के वकील इतिहास को ना जानते हुए तर्कहीन तरीके से बात कर रहे हैं। योर ऑनर, पिछले 200 सालों से वो बाजार ठीक उसी जगह पर है, हर दिन वो पुलिस स्टेशन जाकर साइन करके आते हैं। योर ऑनर, बिना किसी पहचान पत्र के सिवा यह मुमकिन है? योर ऑनर, बेचारे गरीब लोगों के साथ न्याय कीजिए। योर ऑनर, इन्हें कैसे गरीब कहा जा सकता है? आप खुद ही इनका रहन सहन देखिए योर ऑनर, इनके हाथ में ब्रांडेड घड़ी, महंगे जूते, शान से रहते ही ये लोग गरीब हैं तभी तो चोर हैं। इस तरह तुम गरीबी का अपमान कर रहे हो और अमीरों का समर्थन। तू वही है ना जिसने पिताजी की सारी प्रॉपर्टी हड़प करके मुझे गरीब बना दिया था। प्रॉपर्टी ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, प्रॉपर्टी ले लो के नाम पर क्या केक की तरह प्रॉपर्टी बांटी जाएगी? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, आप लोग यहां पर केस पर बहस करने आए हैं ना कि अपने पर्सनल इश्यूज पर। सॉरी योर ऑनर। सॉरी योर ऑनर। अरे बच्चन, ये सब क्या बोल रहे हैं? हमें चोर और अवैध बोल रहे हैं और वो बड़ा आदमी हथौड़ा पीट पीट कर किसी को बोलने नहीं दे रहा है। ये लोग कौन होते हैं हम पर ये आरोप लगाने वाले हैं? सुनिए मैडम, जहां आपकी मर्जी चलती हो ये वो बाजार नहीं है बल्कि कोर्ट है। अगर कुछ भी कहना है तो कटघरे में आकर कहिए। आती हूँ, अब भी आती हूँ। बेबी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ ना। जा। सर, मैं अपने दिल की बात कहने के लिए आया हूं। जज्बात में अगर कुछ गलत कह दूं तो मुझे माफ कर देना। सर, चोर बाजार में एक अमेरिका से परिवार आया है। जब मैंने पूछा कि मैडम आप बाजार के बारे में कैसे जानती हैं, तो उन्होंने कहा कि इंटरनेट से पता चला। सर, इंटरनेट जानता है हमारे बाजार के बारे में, लेकिन आप नहीं जानते हैं। आप सजा देना चाहते हैं दे दीजिए, पर मेहरबानी करके हमें चोर मत कहिए। अगर बेचने वाला एक चोर है तो क्या खरीदने वाला चोर नहीं हुआ? सर, एक अमीर घर का लड़का दूध की बोतल अच्छी होने के बावजूद फेंक देता है, हम वही बोतल लाकर उसे 10 रुपए में बेचते हैं। एक गरीब मां अपने रोते हुए बच्चे को उसी बोतल से चुप करा देती है। जानते हैं सर, एक नव विवाहित गरीब जोड़ा जब खुद के घर में एक टीवी का सपना देखता है तो उसे हम पूरा करते हैं सर। हां, चोरी का माल बेचते हैं, लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं वो तो देखिए। हम लैंटर्न बेचते हैं, मोफी रेडियो, हरक्यूलिस साइकिल, इन सबसे किसी का घर बर्बाद नहीं होता सर। लेकिन अगर एक दिया किसी के परिवार में जलता है तो वो वहां पर उजाला देता है सर। दिस इज एडजस्टमेंट ऑफ इंडिया। अरे चोर बाजार के नाम से लोग समझ जाते हैं यहां सस्ता माल मिलता है, चोरी करके कोई यहां आएगा क्या? हमारे पास घर कार बंगला है क्या? कभी कभी एक निवाले को तरसते हैं हम। हमारे पास तो आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, वोटर कार्ड नहीं है, हमें तो यह भी नहीं पता कि हम भारतीय हैं भी कि नहीं है। इसके बावजूद हमने कभी भीख नहीं मांगी, ना ही किसी के सामने हाथ फैलाया। अरे परेशानी हम किसी को नहीं बताते,
और ये कानून के रखवाले पुलिस वाले जब वहां पर आते हैं हमसे लिखा पट्टी करवाते हैं तो क्या वो ऐसे ही चले जाते होंगे? अगर उन्हें साइकिल चाहिए तो देते हैं, अगर सोफा चाहिए तो देते हैं, अगर उन्हें फ्रिज चाहिए तो वो देते हैं, अगर हमारे हाथ में पहनी घड़ी मिल जाए तो वो भी लेकर चले जाते हैं। पुलिस वाले अपने घर में जो सामान इस्तेमाल करते हैं वो हमारे बाजार से आता है, तो कौन चोर हुआ यहां? सर अगर हम सबने मिलकर पूरी जिंदगी चोरी ही की होती ना तो हम सबके सब नीरव मोदी बन जाते। हम रंग बिरंगी चश्मे जरूर पहनते लेकिन हमारा पेट खाली होता है सर। हम कहां पैदा हुए, कहां पले बड़े, कुछ पता नहीं होता। हम चोरी का सामान नहीं सर, सेकंड हैंड सामान बेचते हैं। हमारा कोई नहीं है, हमें खुद अपना पेट भरना है। हमें आधार कार्ड नहीं चाहिए, हमें वोटर कार्ड नहीं चाहिए, हमें बस खाने को निवाला चाहिए। हमें अपने हाल पर छोड़ दीजिए सर। बस आपसे इतनी ही विनती है। जय हिंद, मेरा भारत महान, सर्वे जना सुखिनो भवंतु। क्योंकि सैकड़ों परिवार अपनी जीविका के लिए चोर बाजार पर निर्भर हैं, इसलिए उन्हें कानूनी तौर पर पहचान पत्र जारी करने का आदेश दिया जाता है। ये कोर्ट का आदेश है। इस प्रक्रिया को एक महीने के अंदर पूरा किया जाना चाहिए। तब तक के लिए चोर बाजार बंद रहेगा। पहचान पत्र बनाने के बाद एक बार फिर से चोर बाजार खोल दिया जाएगा। जीजा, कोर्ट ने एक महीने के लिए बाजार बंद रखने का आदेश दिया है, अब उसे खोलना हमारे बस की बात नहीं। सर, हम गब्बर से केवल रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर। हाँ तो करेंगे, जब सरकार बदलती है तो क्या विपक्षी दल को सलाम नहीं करते? सर, रिक्वेस्ट करने के बाद भी ना माने तो? अरे क्यों नहीं मानेंगे? वैसे तुम यहाँ किस लिए हो? बैठकर खाने के लिए? देखो, एक कहावत है, एक बूढ़े आदमी को जब उसकी मदद के लिए उसे उठाकर ले जाया जाता है तब उसका फायदा उठाकर वो तरह तरह के बुरे काम करता है। बिल्कुल। अरे किसी पर सहानुभूति दिखाने से अच्छा है हम अपने वतन वापस लौट जाएं। ये तुम सभी के लिए आखिरी वार्निंग है, हमारे पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं, समझ गए ना? ये हमारी तरफ कौन आ रहा है? पुलिस डिपार्टमेंट। प्राइम मिनिस्टर ने आपसे मुझे पर्सनली बात करने के लिए भेजा है। अच्छा, भाई को एमएलए की टिकट देने वाले हैं क्या? क्यों रे? हमें कुछ पर्सनल बात करनी है। ओ अच्छा, पर्सनल है, जाओ बेटा, जाओ जाओ जाओ, चलो जाओ। हाँ जाओ, पर्सनली हूँ। तुम्हें इस पे साइन करके केस वापस लेना होगा। हेलो, तू पुलिस की तरफ से है या चोर? अरे क्या भाई, कई बार पुलिस को चोरों की बात सुननी पड़ती है और हम क्या कर सकते हैं। साइन कर दो यहाँ। अब तक मैं मर्यादा में रहकर बात कर रहा था, इसे लो और निकल जाओ। अब रुको ब्रदर, चोर बाजार किसी भी कीमत में खुली जाएगा, यह गवर्नमेंट का ऑर्डर है। यही गवर्नमेंट पहले भी स्टे ऑर्डर लगा चुकी है। ये आदमी टाइम खराब कर रहा है। अरे बार बार बंदूक क्यों तान रहे हो भाई? गोलियां वेस्ट हो जाएगी तो सरकार को क्या जवाब दोगे? भाई अभी साइन कर दो, बाद में देख लेंगे। चलो साइन करो। साइन करो। कर दो भाई, कर दो। ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है भाई, कर दो। थैंक यू सर। गए? मुझे एक मौका और दीजिए भाई। मौका चाहिए और एक मौका चाहिए। कितना मौका चाहिए तुझे? दिल कर रहा मैं मर जाऊं। ए शंकर छोड़ो भाई, मौका चाहिए।
अबे सेक्शन सेक्शन करता है, तेरा एक्शन तो काम का नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान के उस्ताद मोहम्मद अली खान जो 20 मिनट में 15 टायर निकालने के लिए जाने जाते हैं, इसके लिए उन्हें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मिला था, लेकिन हमारे लोकल टैलेंटेड बच्चन साहब 20 मिनट में 25 टायर निकाल कर दिखा चुके हैं और इस तरह देखा जाए तो वो मोहम्मद अली से आगे है। धन्यवाद। शूट वाले आए, शूट वाले। नमस्ते। ये लोग कौन है? पता नहीं। हाय बच्चन साहब, हम F1 रेंजर्स कंपनी से हैं। आपका टायर चोरी करने का जो वीडियो है ना, वायरल हो गया है। तब लोगों ने आपको चोर की तरह देखा, किसी ने आपके अंदर टैलेंट नहीं देखा, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। आप मशीन से भी 30 सेकंड तेजी से टायर निकाल सकते हैं, पता है? बच्चन साहब, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मजे मजे में हम कुछ करते हैं और वो करना भी हमारी जिंदगी बदल सकता है। जब तक आप तैयार नहीं हो जाते, कंपनी आपको ट्रेनिंग देगी और इस बीच में हम आपको 1,00,000 रुपये महीने देंगे। रहने खाने के अलावा और जो भी खर्चा होगा वो हम उठाएंगे। ये सपने इतने हसीन क्यों होते रहे? अरे पर ये सपना नहीं है, हकीकत है। बेबी, सर मैं आपकी कंपनी में काम करूंगा। कांग्रेचुलेशन। अरे हट यार, पहले बांध दे उसे, अंदर डाल उसे। अरे छोड़ो मुझे। अरे गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सुन रहे हैं FM रेडियो 91.1। मैं हूँ आपकी रेडियो सिटी राजेश्वरी। आज हमारे साथ है हमारे लोकल टैलेंटेड चोर बाजार के बादशाह बच्चन। क्या आप अमिताभ बच्चन के फैन हो? हाँ मैडम, पूरी दुनिया बच्चन साहब की फैन बन चुकी है मैडम। I am also very big fan. वैसे आप पहले टायर क्यों खोलना चाहते थे? इसके पीछे लंबी कहानी है मैडम। जब मैं छोटा था और उम्र कच्ची थी तो हाथों में बहुत खुजली होती थी, तो बच्चा क्या करेगा, गब्बर की साइकिल का टायर निकाल लिया और बस वहीं से शुरू हो गया। जो आपको चाहिए था क्या वो आपने हासिल कर लिया? हाँ हासिल कर लिया, बहुत अच्छे से हासिल किया, लेकिन उसके बिना बहुत अधूरा महसूस करता हूँ। मतलब लव फेलियर है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्यार कभी फेल थोड़ी होता है। मेरे मम्मी पापा फिजिकली मेरे साथ नहीं है, लेकिन मेरे दिल में तो है। तो फिर प्यार में फेल कैसे हुआ मैं? मरते दम तक मेरा दिल तो ऐसा ही रहेगा, ये तो तय है। मैं अपनी पुरानी यादों को याद करूंगा और आराम से जिंदगी जीऊंगा। मैं तो इसी चीज को प्यार कहता हूं। इसके अलावा बच्चन साहब, मैं जानता हूं तुम भी अभी तक उसको नहीं भूल पाई हो। हालांकि तुम बोल नहीं सकती, लेकिन ये अच्छे से समझती हो कि तुमसे कौन सच्चा प्यार करता है और कौन नहीं करता है। बच्चन साहब नाम तो कमाल का है। मैं
मैंने उस डायमंड को कम से कम 3-4 बार देखा है। तेरे बाल असली हैं अभी? नहीं सर, असली है। अच्छा, असली है तो दिखा जरा। चलो जल्दी उठ। डायमंड कहां पर है बता, जल्दी बोल। पता नहीं सर। अच्छा, पता नहीं है तेरे को? ओ मेरा बच्चा, आ जा आ जा। अम्मा, पता नहीं तेरे को, बोल। चुप कर। तेरी तो क्या मेरे बच्चे, तू भी नहीं बताएगा क्या? डायमंड कहाँ छुपा रखा है? मेरे नीचे 3 है। अबे सबके नीचे 3 होते हैं, 3 से ज्यादा नहीं होते। ए चल तू बता, डायमंड कहाँ छुपा रखा है? कहाँ है डायमंड? दिस इज चाइल्ड हरेसमेंट, अगर मीडिया में लीक हो गया ना तो मुश्किल हो जाएगी। क्या तू मुझे वाकई में छोड़ के चला जाएगा? हाँ बेबी, अब हमारा बाजार बिल्कुल मुक्त हो गया है और मैं तुम्हें कभी छोड़कर जा सकता हूं क्या? मैं यूं गया यूं आया। मुझे अपनी चिंता नहीं है बच्चन, मुझे तो उस सिमरन की चिंता है जिससे तू इतना प्यार करता है। अरे तुम सब टेंशन मत लो, जो भी होगा मैं संभाल लूंगा, ठीक है ना? बस तुम सब एक काम करना, जब वो आए तब जोर जोर से रोने लगना, मैं बच्चन साहब को लेकर आऊंगा और धमाका कर दूंगा, ठीक है ना? ठीक है भैया। ये तो अपने नीचे रगड़ क्या रहा है रे? ये कहाँ हाथ डाल रहे हो? ए, पुलिस वाले जब हमारी क्लास ले रहे थे तब चुपचाप रह के मजे ले रहा था। ज्यादा बकवास मत कर, पहले ही नीचे जल रहा है। मैंने तो पुलिस को बताया था कि मेरे नीचे 3 है 3 है, लेकिन उन्होंने माना ही नहीं। उसने अंदर हाथ डालकर चेक ही नहीं किया तो मैं क्या करूं? अरे छोटू, तू कोई मामूली लड़का नहीं है रे। बच्चन बच्चन भाई, बच्चन बच्चन भाई, भाई, भाई कहां चले गए थे? कल से दिखाई नहीं दे रहे भाई। पुलिस वालों ने रात भर हमें बहुत मारा भाई। सब कुछ इस बेवकूफ की वजह से हुआ, पागल कहीं का। हाँ भाई, इसके वजह से पुलिस वाले ने हमारे नीले पीले कर दिए। पर पुलिस ने तुम्हें मारा क्यों? माँ जी, वो एक 200 करोड़ के डायमंड की बात कर रहे थे। सब बकवास है, तुम्हें नहीं पता कि कैसे समझाया जाता है। उन्होंने 200 करोड़ बोला तो फिर ये लो ब्रो। चोर बाजार में एक डायमंड गया है, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? डायमंड? हमारे बाजार में? उसकी कीमत पता है क्या है? 1 करोड़। बचपन में हम इसे म्यूजियम में देखने जाया करते थे, ये कैसे हो गया? ये कहां से मिला? तो ये इसी डायमंड की वजह से आज हमारा बाजार खतरे में है। अरे क्या हुआ? मैं हर सेकंड किसी एक को मारता चला जाऊंगा, बताओ वो डायमंड कहां पर है? अगर नहीं बताया तो इस लड़की के जैसे मरेगा। अरे ये क्या हो गया? मीरा, अरे उठाओ इसे, उठाओ उठाओ, अरे उठाओ इसे, संभल कर। किसने गोली चलाई? बच्चन, हम्म,
हम आपस में लड़ेंगे तो ये बाहर से आकर हमेशा हमारा ही फायदा उठाते हैं। चल खत्म कर। नहीं तो गोली मार दो। ए ए हिलना नहीं। ए तोपा तो दे, छोड़ना मत। हट। ए ढंग से पकड़ना। हां छोड़ना नहीं। प्रिय आई। ए मैंने सुना है कि तुम बहुत ही दिलवाले हो बच्चन। आई एम विजय कुमार, चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। हेलो, फाइनली हमें डायमंड मिल गया है। हीरा सौंपने के लिए एक ऑफिसर आपके पास आ रहा है। लेजर लाइट बंद कर दो और गेट खोल देना, ओके ना? हेलो चार्ली। बोल बेवकूफ, कल से मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहा था? तुम्हें जो हीरा चाहिए था ना, वो मेरे पास है। 200 करोड़ के साथ तैयार रहना। जब मैंने डायमंड की डील की, उसके बाद तू पुलिस की गिरफ्त में आ गया और कुछ दिन कोमा में भी रहा, इसलिए बाद में मैंने वो डील चादर घाट रावण को दे दी थी, जिसे तूने ओरिजिनल समझ के चोर बाजार से चुराया था। तो जान ले कि वो डुप्लीकेट डायमंड ही था।